हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। देखिए दोस्तों, आज एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि आज रात में 9:30 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आपको जो कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू बेसिक और रिलेशनशिप और इस तरह की जो भी चीजें हैं, आप लाइव जुड़ करके लाइव सवाल पूछिएगा, मैं आपको लाइव सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलेशनशिप जब क्रिएट कराते हैं तो एक प्रॉब्लम बहुत आती है। चलिए समझते हैं वो प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ से एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ मैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 मेरे पास है और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हमें ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। टेबल वन नाम आ रहा है, इस टेबल को हम एक अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसे स्टूडेंट टी दे देता हूँ, स्टूडेंट टी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट टेबल। एंटरप्रेस करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने एस आई डी का मतलब हो गया स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स नेम कर लेंगे, तो ये कर दिया हमने स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम। इस तरीके से आपको भी स्टूडेंट्स नेम कर देना है और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रख देना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे और बाकी का डेटा यहाँ हमें फिल करना है। तो S01, ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमने S01, स्टूडेंट आईडी क्या दे दिया S01, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देना है तो यहाँ पे राम दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे S02 करेंगे, फिर यहाँ स्टूडेंट का नाम आएगा तो यहाँ पे श्याम दे देते हैं। एक इसी तरह का सवाल एक हमारे चैनल के व्यूअर है जो काफी ज्यादा मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने पूछा है कि फैमिली रिलेशनशिप में कैसे बनाएंगे। तो उसी तरह की ये वीडियो है, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ श्याम हो गया और यहाँ पे लिख देता हूँ एक और मनोज, ठीक है। तो ये तीन नाम हमने लिख दिए, आप चाहे तो 20-50 जितना नाम हो उतना लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल वे में क्रिएट पे जाना है, टेबल पे जाना है। टेबल पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर ये टेबल बना है, ये जो टेबल है ये फादर की टेबल है, तो फादर्स की कर देते हैं, फादर्स की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी फादर्स की कर देना है, ये फादर की यानी फादर की टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आप चेंज कर सकते हैं, देखिए ये छूट गया है, तो यहाँ से जाकर के इसको पहले क्लोज करेंगे फिर आप नाम चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जाकर के और रीनेम करेंगे, ये रीनेम पे जाएंगे तो यहाँ पर ए दे देना है आपको, ये ए दे दिया और ये सही हो गया, फादर्स हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, टेबल पे जाना है। अच्छा, टेबल तो हम पहले ही बना चुके हैं तो अभी तो लेने की जरूरत नहीं, तो इसी को ओपन कर लेते हैं, डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं। डिजाइन व्यू पे आ गए, यहाँ पे फादर्स आईडी कर देते हैं, ठीक है। जैसे फादर का कोई आधार कार्ड होगा या इस तरह की कोई आईडी होगी तो फिलहाल मैं इसे फादर आईडी ही दे देता हूँ। और यहाँ पर डेटा टाइप क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। तो फादर आईडी लिखने के बाद यहाँ पे डेटा टाइप आप भी शॉर्ट टेक्स्ट रख लीजिएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपको शॉर्ट टेक्स्ट मिल जाएगा। नेम ऑफ फादर या फादर्स नेम कर देंगे यहाँ पर, तो ये कर दिया फादर्स नेम, ठीक है। तो फादर्स नेम यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखिएगा। शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए, यस कर दीजिए आप इसे। यस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फादर्स आईडी आ रही है, ठीक है। तो फादर्स आईडी में F01 कर देते हैं, F से फादर, F से आईडी हो गई इनकी, ठीक है, F01। अब यहाँ पर फादर्स नेम में राज किशोर ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ, फादर्स नेम में राज किशोर यहाँ पर दे दिया मैंने। और यहाँ पे F02 कर देता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि फादर्स आईडी को हम प्राइमरी की बना रहे हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ सूरज सिंह 03 करेंगे, F03, ये F03 कर दिया। यहाँ पर लिख देता हूँ गौरव, ठीक है, GAURAP गौरव, ठीक है। तो गौरव कुमार लिख देता हूँ, कुमार, ये इस तरीके से फादर्स आईडी दे दिया और फादर्स नेम दे दिया, दोनों ही दे दिया। यहाँ पर इसको सेव करके और क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया, दो दो टेबल बन गया है। तीसरी टेबल बना लेते हैं, फैमिली रिलेशनशिप की बात है ना, तो तीसरी टेबल बनाना जरूरी है। तो ये तो एक हो गया स्टूडेंट का, दूसरा हो गया फादर का, और यहाँ पर हम बना लेते हैं डॉटर्स टेबल। तो डॉटर की टेबल के लिए यहाँ लिख देता है GUGST या डॉटर्स टी, तो डॉटर्स टी लिख दीजिए आप भी और एंटर कर दीजिए, तो यह डॉटर की टेबल हो जाएगी। यहाँ पे आएगा डॉटर्स आईडी, ठीक है, GAUGHTER डॉटर्स आईडी कर दीजिएगा, तो डॉटर्स आईडी यहाँ पर आएगी। अब ये डॉटर्स आईडी जो है ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा, तो यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट रख लीजिए। एक चीज ध्यान देनी है आपको, एक चीज ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट कराना है, तो रिलेशनशिप में एक कॉमन फील्ड का होना बहुत जरूरी है।
जो कि हमने नहीं बनाया है, तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही से हम अभी बनाएंगे। यहाँ पे नेम ऑफ डॉटर या डॉटर्स नेम कर देंगे, तो DAUGSTER डॉटर्स नेम कर देंगे, तो ये कर दिया डॉटर्स नेम। और डॉटर्स नेम करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट टेक्स्ट देना है, सिंपल लेवल शॉर्ट टेक्स्ट दीजिए और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डॉटर का नाम लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन फील्ड हम बनाएंगे वो सेम होगी, जैसे कि यहाँ पर आएंगे तो स्टूडेंट टी ने स्टूडेंट की जो आईडी है ये प्राइमरी की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए S01 स्टूडेंट आईडी दी गई है, फादर्स वाले टेबल में आते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, स्टूडेंट्स आईडी, तो इस तरीके से आपको कर देना स्टूडेंट्स आईडी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आईडी कॉमन फील्ड है और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ही हमें रखना है, ये बात ध्यान देनी है, शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा। तो स्टूडेंट आईडी में क्या फील होगा, सेम वही डेटा फील होगा जो हमने स्टूडेंट के टेबल में किया था, तो S01 ही किया था, S01 ही था, ठीक है। जैसे चेक कर लेते हैं तो S01 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर क्या वापिस से हमें क्या करना है, S01, S02 फिल करना है, इस तरीके से हमें फिल कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएंगे तो S03 कर देना है, तो ये S03 भी हो गया, सब कुछ हो गया है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर फादर्स आईडी पे जाकर के ये जो फादर्स वाली टेबल है यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए, ये स्टूडेंट वाली टेबल को भी क्लोज कर दीजिए, डॉटर्स वाली टेबल में भी कॉमन फील्ड रखना है। तो हम क्या करेंगे, डॉटर्स वाली टेबल में चलेंगे, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से जाकर के अल्टर करेंगे, यानी कि इसको हम एडिट मोड पे ले करके और यहाँ पर हम देंगे क्या, यहाँ पर दे देते हैं, एक कॉमन फील्ड तो होना जरूरी है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फादर्स आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर भी फादर्स आईडी दी गई है और यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। तो ये फादर्स आईडी डॉटर वाले टेबल में भी मैंने दे दिया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डॉटर्स आईडी है, डॉटर्स नेम है, फादर्स आईडी है, तीनों चीजें हैं। यहाँ पर डॉटर वाली टेबल में क्या है देख सकते हैं और फादर्स वाली टेबल में क्या है, तो फादर्स वाली टेबल में फादर्स नेम है, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। और डॉटर वाली टेबल में देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट वाली टेबल है और डॉटर वाली टेबल डॉटर आईडी मिलते हैं, तो D01 कर देते हैं ना, D01 कर देते हैं, डॉटर्स नेम कर देते हैं रीना, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं फादर्स नेम और फादर्स आईडी देनी होगी, फादर्स आईडी F01 थी तो F01 हमें यहाँ पे देना है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे करेंगे D02 और यहाँ पे कर देते हैं सीमा, ठीक है, ये डॉटर्स नेम है और यहाँ पे F02 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे D03 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे रीमा, एक और नाम दे देते हैं रीमा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो भी आपको देना हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे F03 कर देंगे। तो ये तीन टेबल हो गए ना, तीनों में हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, चार भी वो तो करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लीजिए ये फादर्स है, ये सन है जो कि स्टूडेंट टी हमने बनाया है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, तो स्टूडेंट टी न रख करके हम इसको सन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, सारा कुछ तो हमने बदल दिया है, तो नाम चेंज करने में दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से जाइएगा व्यू पर, एक बार सारा रिलेशनशिप क्रिएट करा देंगे तब दिक्कत होगी, लेकिन अभी आप कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे नेम कर देते हैं केवल, ठीक है, यहाँ पे केवल नेम कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे SID यही हुआ है, तो ये नेम हमने कर दिया है, बाकी सब चीजें तो ओके हैं। और यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ये दिक्कत आएगी आपको, ये नेम जो है ये यहाँ पर गैप हो गया है, जिसके चलते ये दिक्कत कर रहा है, तो इधर करके और अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करिएगा आप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेम भी यहाँ पे नेम हो गया, देख रहे हैं पहले स्टूडेंट नेम था, अब खाली नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये नेम तो हमने दे दिया, लेकिन यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है, स्टूडेंट टी नहीं रखना, केवल क्या रखना है, यहाँ पे हम नेम रखेंगे, जैसे कि पहले तो इसको क्लोज कर दिया जाए, ये स्टूडेंट टी को पहले यहाँ पे क्लोज कीजिए, फादर्स टी को क्लोज कीजिए, सबको क्लोज कर लेंगे लाइन में, इसको भी क्लोज कर लेंगे, सबको क्लोज कर लिया, यहाँ पर आएंगे डिजाइन पे इसको लेंगे, ठीक है, सॉरी इसको डिजाइन पे नहीं लेना है बल्कि इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, स्टूडेंट टी जो दिया हुआ है इसको नेम को एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस नेम कर देता हूँ, एस नेम, ठीक है, सन नेम ये नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है, तो ये दे दिया। अब इन तीनों के बीच में टेबल तो बन रही है, तीनों टेबल आपको दिख रही है, यहाँ से क्रिएट रिलेशनशिप क्रिएट के लिए हमें डेटाबेस टूल्स पे जाना, रिलेशनशिप पे जाना, ठीक है, और भी टेबल्स हो तो आप उनको भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो सारा टेबल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करवाइए, एक हो गया ये दूसरा हो गया, सब एक करके हमें लेना है, ठीक है, ये तीसरा हो गया, तीनों ले लीजिए, ठीक है, तीनों ले लिया आपने। अब इसमें रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए यहाँ पर दो चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है, ठीक है,
अब ये जो स्टूडेंट आईडी है इसका रिलेशनशिप यहां से क्रिएट करा देते हैं, ये क्रिएट करा दिया हमने, यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया और ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये डॉटर्स आईडी है ना, डॉटर्स आईडी, तो हमें क्या करना है, यहां पे स्टूडेंट आईडी दी गई है, ठीक है, फादर्स आईडी दी गई है, डॉटर्स आईडी इसमें नहीं दी गई है, एक फील्ड हमें डॉटर्स आईडी लेना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, फादर्स आईडी का रिलेशनशिप इससे क्रिएट करा देते हैं, ठीक है, ये आईडी इससे क्रिएट करा देते हैं। तो ये जब क्रिएट करा देंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, अब देखिए ये रिलेशनशिप किस तरीके से होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी, देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही में कॉमन है। ठीक है, अब यहां पर हमें एक फील्ड लेना चाहिए था डॉटर्स आईडी, तो इस रिलेशनशिप को हम हटाएंगे अभी, ठीक है, अगर मान लीजिए गलती हो जाए तब क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए यहां से जाकर के इसको रिलेशनशिप है आपकी, इसको डिलीट कर दीजिए, यहां से जाकर के इसको डिलीट कीजिए, ठीक है, ये पहले तो इसको क्लोज करना होगा तब डिलीट होगा, ये यहां से जाइए अब इसको डिलीट करके, अब ये डिलीट भी हो जाएगा खाली, ये हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बनी रहेगी तो आप कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डॉटर्स वाली टेबल है, फादर्स वाली टेबल, यहाँ स्टूडेंट वाली टेबल जो है इसको हम पकड़ते हैं और यहाँ कुछ लिखते हैं, लाइक क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डॉटर्स आईडी, ठीक है, क्या लिखेंगे, डॉटर्स आईडी, ये लिख दिया डॉटर्स आईडी। अब डॉटर्स आईडी वही वाला देना है, फिर सारा वही कुछ करना है, तो ये यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे डॉटर्स आईडी में लिखिए D01, ये लिख दिया, फिर यहाँ पे आए D02, ठीक है, फिर यहाँ पर आइए D03, इसी तरीके से करके आगे सीक्वेंस में चलते रहिएगा, उसको सेव कर लेना, सेव करके अब इसको क्लोज कर देते हैं, तो एक चीज और इसमें हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये डॉटर वाली जो टेबल है इसमें दो चीजें हैं, एक तो डॉटर्स आईडी है, ठीक है, और दूसरा फादर्स आईडी है, तो फादर्स आईडी को हम क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, ठीक है, ये जो फादर्स आईडी है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहां से, ये यहां पे लेके आ गए और यहां पर क्लिक करके स्त्रियों पे क्लिक करके, और ये रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी, अब इसमें स्टूडेंट आईडी कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टूडेंट आईडी कॉमन है, ये जो स्टूडेंट आईडी है ये इसमें कॉमन है, ठीक है, और यहां पर कोई स्टूडेंट आईडी नहीं दी गई है, जबकि यहां पर डॉटर्स आईडी है, तो डॉटर्स आईडी को क्या करेंगे, ये जो डॉटर्स आईडी है इसको आप उठाइए और यहां पे लगा दीजिए, जैसे ही रखेंगे तो ये विंडो आएगी, अब तीनों पर टिक कीजिए, देखिए क्या होता है, यहां से क्रिएट पे क्लिक करिए, ये इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हो गई हम बहुत आसानी के साथ। ठीक है, दोनों ही में रिलेशनशिप क्रिएट हुई, देखिए डॉटर्स आईडी को लेकर के क्रिएट हो गई। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये जो स्टूडेंट आईडी है इसकी रिलेशनशिप अभी बिल्ड नहीं हुई है, तो यहां पर अगर आप जाते हैं, ये हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन गई, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इसका बहुत सारा फायदा है, यहाँ पर आप इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद चलते हैं कहाँ, टेबल पे आ गए। अब जैसे ही स्टूडेंट वाली टेबल पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि S01 जिनकी जो सन आईडी, जिसे मैंने बना दिया है सन आईडी, तो S01 जो सन आईडी है उनका नाम राम है, और जो डॉटर्स है यानी कि जो इनकी बहन है, ठीक है, उनका नाम, उनकी आईडी क्या है, D01। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इनके पिता का नाम दिखाई पड़ता है, यानी कि जो ये राम है जिनकी बहन की आईडी D01 है, उनके फादर का नाम क्या है, उनके फादर का नाम है राजकिशोर, और यहाँ पर इनकी आईडी दी गई है। ठीक है, अब ये आधार कार्ड आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर क्लिक करिएगा तो डॉटर का नाम भी शो करेगा, डॉटर्स आईडी तो शो ही कर रही है, डॉटर्स का नाम भी शो करेगा। ठीक है, अयो की बात समझ में आ रही होगी आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो स्टूडेंट का नाम तो ऑलरेडी आ रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें 10 टेबल हो सकती है, 20 टेबल हो सकती है, जितनी चाहे उतनी टेबल बनाएंगे, लेकिन कुछ चीजों की सावधानी आपको रखनी है, जो कि वीडियो से काफी काम आसान हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आपसे शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वैसे तो मैं रात को लाइव आ ही रहा हूँ, ओके।